नमस्कार, सारिकाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे तरफ से आपके पूरे परिवार को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माँ दुर्गा आप लोगों की सारे मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, 9 दिन के फास्टिंग के बाद हर घर में अपने कल्चर के हिसाब से विजयदशमी के दिन तरह तरह के व्यंजन बनाने का प्रचलन है। हम लोग के मैथिल कल्चर में विजयदशमी के दिन मटन बनने का प्रचलन है। हर घर में मटन बनते हैं और साथ ही तरह तरह के व्यंजन भी बनते हैं। मैं मटन की रेसिपी तो आपको दूंगी ही, और साथ साथ मैं पूरे थाल दिखाऊंगी। उस दिन मिथिला में क्या क्या खाया जाता है वो मैं आपको सभी को दिखाऊंगी। और अगर उसमें से किसी चीज़ की रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं आपको उसको बना के मैं आपको बताऊँगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस है। तो चलिए हमारे किचन में पहले बनाते हैं मटन और फिर बाकी रेसिपी का भी आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए, देसी स्टाइल में मटन बनाने के लिए हमने लिया है 1 केजी मटन है, और ये 1/2 केजी प्याज है। मोटा ही काटे हैं, बहुत महीन नहीं काटना है। और ये अदरक, 2 लहसुन, लहसुन का छिलका सहित रखे हैं। उसके बाद ये खड़ा गरम मसाला, ये लाल मिर्च, जीरा, और इसमें है ब्लैक पेपर का पाउडर है, और ये तेज़पत्ता है। पहले सब मसाला को हम हल्का दरदरा पेस्ट करेंगे, एकदम नहीं, बस जिससे कि ये 2 भाग 3 भाग मतलब दरदरा हो जाए, इतना ही पेस्ट करेंगे इसको। और इधर ये तो मसाला का डब्बा है, इसमें से सिर्फ हम हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, बस इतना ही इसमें से लेंगे। ये मैंने सारे सूखे मसाले का पेस्ट बना लिया है। इसका टेक्सचर ऐसा रहना चाहिए, एकदम पेस्ट नहीं रहेगा। ऐसे मटन में खड़ा मसाला भी डाल दीजिएगा तो टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आता है। ऐसे अब हम इस मटन पे जो प्याज है, प्याज डाल देंगे, और ये मसाला, हल्दी 2 चम्मच डाल दिए हैं, नमक तो अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। बस अभी सबको मिला देंगे अच्छे से, हाथ से ही मिलेगा अच्छे से। इसको सबको मिला के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रख देंगे ढक के, और फिर इसको हम कुकर में ही पकाएंगे। क्योंकि मटन है इसलिए वे मटन कुकर में आसानी से पक जाता है, ऐसे कढ़ाई में टाइम ले लेता है ज़्यादा। अब इसको हम ऐसे ही ढक के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रख देंगे। कुकर गर्म हो गया, अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अब गर्म हो गया है, इसमें जीरा डालेंगे और लाल मिर्च और तेज़पत्ता भी डाल देंगे। मटन बनाना सबसे आसान है, नॉनवेज में सबसे आसान काम है मटन बनाना। मटन में सारे मसाले को एक बार सानिए और बस उसको कुकर में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मटन, अब इसको इसमें डाल देंगे कुकर में। मटन में खड़ा मसाला का टेस्ट ज़्यादा आता है। अगर आप नहीं भी पीस पाइएगा इसी से, सब चीज़ गोटा, जीरा, मिर्चा, गरम मसाला जितना भी है सब गोटा भी डाल दीजिएगा, उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। क्योंकि मटन के साथ साथ वो भून जाता है और उसके बाद वो गलते रहता है। इसको चला के और ढक के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद फिर इसको सिम पे रखेंगे। मटन में एक चीज़ करना है, इसको टाइम लगता है इसको बनने में, 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसको हम इसके बाद 5 मिनट के बाद फिर सिर्फ सिम फ्लेम पे ही भूनेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस का ज़रूरत होता है इसमें। और साथ में ये ब्लैक पेपर डाल देंगे, क्योंकि ये पाउडर था इसीलिए मसाला के साथ नहीं भूंजे थे, और अगर आपके पास गोटा रहेगा तो उसको मसाला के साथ ही
पेस्ट बना लीजिएगा। मटन में साइड में देखिए तेल छोड़ रहा है मसाला, इसका मतलब अब मटन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें अगर आपके पास मीट मसाला है, एक पैकेट मीट मसाला को पहले से पानी में सोख करके रख दीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए, और नहीं है तो कोई भी नहीं है, है तो डालिए, नहीं तो सब मसाला तो डाला ही हुआ है इसमें। उसको चला देते हैं। अब इसमें गरम पानी डालेंगे, ठंडा पानी डायरेक्ट मत डालिएगा, ठंडा पानी डालने से मटन सीजने में टाइम लग जाता है। और ये गरम पानी करके रखिए, और जब इसमें डालना होगा ग्रेवी के लिए तो गरम पानी ही डालने का कोशिश करिएगा। गरम पानी हम करके रखे हैं और इसमें हम डाल देंगे, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से, उससे ज़्यादा डालिएगा ताकि बनने के बाद उतना आपको मिले ग्रेवी। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और कुकर को बंद कर देंगे, और एक सीटी आ जाएगा उसका फिर से सिम करके, और दो तीन सीटी और कर देंगे, उसके बाद फिर चेक कर लेंगे जो मटन गला कि नहीं गला है। हालांकि गल जाता है, दो सीटी तीन सीटी में ही चिकन मटन गल जाता है, इतना फ्राई हुआ रहता है ना, इतना भुना हुआ रहता है, गल जाता है अच्छे से। बन गया मटन बनके रेडी है, देखिए एकदम अच्छे से गल गया है बढ़िया से सब। और सबसे लास्ट में इसमें घी गरम करके, घी को पूरा गरम कर देंगे और छौंक लगाएंगे। घी पूरा कर गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे बस, पहले से भी जीरा डाला हुआ थोड़ा सा डालेंगे। घी का बघार लगा देंगे। तो आइए बताती हूँ मैं कि मैंने और क्या क्या बनाया था। चावल है, मीठा चटनी है, और टमाटर और धनिया पत्ता का चटनी, मटन, सलाद, दही बड़ा, ओल का चोखा, बैंगन अदौरी, आलू और कदीमा का तरुआ, रायता, खीरा का रायता, बड़ी, कदीमा का सब्जी, आलू दम, बटर पनीर मसाला, अरहर का दाल, कांजी बरा, पापड़, स्प्राउट चाट, बैगन और मिर्चा का पकौड़ा, ये दही है, खीर है, और ये गुलाब जामुन है, रसमलाई है, रसगुल्ला। और चलिए अब आपको हम अपने स्पेशल गेस्ट से मिलाते हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये बहुत ही खाने के शौकीन है। एकदम पूरे शौक से खा रहे हैं। खाना बनाने का शौक मुझे इनकी वजह से ही मिला, क्योंकि ये खाने के बहुत ही शौकीन हैं, और इसलिए मैं हमेशा अलग अलग तरह के डिश को ट्राई करती थी। और अब मैं अच्छे से कुक करने लगी हूँ, ये बोलते हैं ये अच्छा खाना बना लेती हैं। बहुत सुंदर, बहुत टेस्ट, लाजवाब। What was the best dish? Everything was best. सबसे स्पेशल मटन वाज स्पेशल। चलो थैंक यू।
We sell all the items, dahiwara, mithai, dahi. सभी आइटम अच्छे थे। तो देखा आपने मटन बनाना कितना आसान है, और मैंने जो भोज लगाया था उसके भी डिशेज इतने ही आसान हैं। तो आप अच्छे से देखिए, और अगर उसमें से कोई भी डिश पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरे हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमें सपोर्ट करिए। घर में रहिए, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।